बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चंद चीज़ें ताज़ा कथा अफजाई जी। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी उसकी सारी रंग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी तो दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रंग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी तो दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। एक छोटी सी नज़म, चार मिसरों की नज़म है कि बेगम चिंगम जैसी है, बेगम चिंगम जैसी शह है। हाँ जी, बेगम चिंगम जैसी शह है, शुरू शुरू में मीठी खुशबूदार सी लगती है। बेगम चिंगम जैसी शह है, शुरू शुरू में मीठी खुशबूदार सी लगती है, मज़े की होती है और जायकेदार सी लगती है, फिर ये बिल्कुल बेरस एक तकरार सी लगती है, बाद में फीकी चिपकू और बड़ी बेकार सी लगती है। और दो शेर हैं कि फेरी उसने हमसे अखियां परसों से, परसों डे बिफोर यस्टरडे, फेरी उसने हमसे अखियां परसों से, बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियां परसों से, फेरी उसने हमसे अखियां परसों से, बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियां परसों से, पेंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने, सेक रहे हैं दोनों बखियां परसों से। और एक और दो शार हैं कि बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है कुछ ना कुछ तो करता है। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है कुछ ना कुछ तो करता है, लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चलता है। पर एक कथा के गुलहा हिकमत, इसका अनुमान है कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्दी गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्दी गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती, पौना कंटा सिर खुरका फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है औरत जात की बीवी जो नहीं होती। बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चावल चुबारे पर। अच्छा, ये ऐसे हुआ कि मैंने मंजर भाई ये शेर पढ़ा कराची में, क्रीक क्लब में मुशायरा था कराची के, तो पीछे से बड़े दुबले पतले साहब खड़े हो, कह रहे भाई साहब ये चावल का क्या मतलब है। नहीं जी, मेरे पौंतले जमीन निकल गई। मैंने उसको कहा भाईजान ये जो चावल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज है कि इसका तर्जमा, इसका मफहूम, इसका मतलब पंजाब में पंजाबियों को नहीं समझाया जा सकता, तो अल्लाह के बंदे आप कराची में पूछ रहे हो। तो मैंने कहा ये जो चावल है ये दिखाया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चावल चुबारे पर, और फांट लगाई उसकी 10 मुष्टंडियों ने, फांट लगाई उसकी 10 मुष्टंडियों ने, जूं ही उसने छेड़ी गजल चुबारे पर, और 6 कुड़ियां हैं खिड़की वाले कमरे में, अल्लाह का है खासा फजल चुबारे पर। ये एक छोटी सी नज़म है, ये
मतलब पाकिस्तान के तनाजर में है, लेकिन ये हिंदुस्तान के तनाजर में भी इसको बेशक देख ले। तो नज़्म का उनवान जी फारसी में है, तो लेकिन फारसी भी बैरर ऐसी है। नज़्म का उनवान है कि मुकद्दर खराब अस्त हर शय बेकार अस्त। मतलब भाई मुकद्दर खराब अस्त हर शय बेकार अस्त। जब तुक्का लगाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, मुकद्दर खराब है। जब तुक्का लगाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। जब तुक्का लगाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। तिक्की निकल आए तो तिक्की नहीं चलती, दुक्का निकल आए तो दुक्का नहीं चलता। और तावीज जो ले आए तो हो जाता है बेकार, और रुका जो ले आए तो रुका नहीं चलता। बे वक्त पड़े तोप भी चल जाती है अपनी, बे वक्त पड़े तोप भी चल जाती है अपनी, और वक्त जो पड़ जाए तो मुक्का नहीं चलता। बे वक्त पड़े तोप भी चल जाती है अपनी, और वक्त जो पड़ जाए तो मुक्का नहीं चलता। मेरिट को ट्राई किया 100 बार तो जाना, इस मुल्क में मेरिट भी तो सूखा नहीं चलता। और एक और कथा के पढ़ते हैं, दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में। दीवारों पे लिखा होता है आमतौर पे महबूब आपके, पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो, ये कोई कब लिखवाएगा। अंजा भाई कभी लिखा देखा दीवार पर? पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो, ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवा कर वापस आकर घर में कैसे जाए। और हाँ जी, वो एक छोटी सी नज़म है कि लोटा लोटा हमारे सियासत में एक बड़ा मुस्तकिल सा किरदार है। तो एक छोटी सी नज़म है कि लोटा क्या है, लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कारामत एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा पला मोजज बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कारामत एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा पला मोजज बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और एक कथा है, तो इसका उन्वान है कदरे मुश्तक, कदरे मुश्तक दी कॉमन सिमिलैरिटीज। तो ये देखें जरा कि इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है, इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है, इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। रान मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है, बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। अंजु भाई आपको तो माशाल्लाह काफी अंदाजा होगा, सारी सरकारी नौकरी की है। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है, इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। रान मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है, बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। और एक गजल के कुछ चार शेर हैं कि उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा रड़का होगा, उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा रड़का होगा, माहिए बे आब की मानन तड़पा होगा, फड़का होगा, शोर शराबा खड़का दड़का सुनकर उसने गैस लगाया, या बादल गरजा है ऊपर या बेगम का कड़का होगा। शोर शराबा खड़का दड़का सुनकर उसने गैस लगाया, या बादल गरजा है ऊपर या बेगम का कड़का होगा। सीने की हांडी के अंदर वक्री टाइप की शू शू होगी, सीने की हांडी के अंदर
वक्री टाइप की शूशू होगी, साढ़े दिल की दाल के ऊपर उसके हुसन का तड़का होगा। खुश होकर दरवाजा खोला, अग्नो मीटर रीडर निकला, वो समझी थी शायद आज भी सामने वाला लड़का होगा। और एक आपने एक शेर सुनाया था तो उसी की गजल सुना दूं कि तुम्हारे फूफा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, तुम्हारे फूफा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, महीना होने को आ गया है ना उसने दी ना हमने मंगी, और वो वापडा ने जो बल्ब मोटा लगा दिया है तुम्हारे दर पर, तो उसके चानन में तुझसे मिलने में आ रही है शदीद तंगी, और ये अलमिया है कि उसको मिलने में जब कभी छुप छुपा के पहुंचा तो उसकी दादी दमे की मारी हमेशा ही उस वक्त कंगी। तो अपनी सारी नसीहतों को संभाल के रख ले पास अपने, तू मामा लगता है इस गाल का, वो हमको पैड़ी लगे के चंगी, और हमारी किस्मत है दो टके की के शहर की सबसे माठी लड़की, वो सारे दिन में हमारे आगियों से कई फेरा मुस्कुरा के लंगे। और आखिर में एक छोटी सी नज़म, तीन मिसरे की नज़म है, नज़म का उन्वान है कि बात से बात निकल आती है। ज़रा ये देखें कि बात से बात कैसे निकली और क्या निकली है। कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है, एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है, दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है।